बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले जी। वो कहते हैं ना, लाख आपके चाहने वाले होंगे मेरे सच्चे पातशाह, पर महसूस सिर्फ हमने किया है आपको। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक सत्संगी रहता था जिसका नाम था श्याम। वो बहुत ही ईमानदार किसान था। जब वो एक बार अपने खेतों में काम कर रहा था तो काम करते करते उसके पैर में कुछ लोहे का खूंटा सा चुभा तो उसको बहुत तेज लगा। और जब वो किसान वो खूंटा हटाने लगा तो वो खूंटा तो जमीन में ही धसा हुआ था। उसके मन में ख्याल आया कि इस खूंटे को अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये किसी के भी पैर में चोट मार देगा। फिर उस किसान ने उस खूंटे को उखाड़ने के लिए जब आसपास की मिट्टी खोदनी शुरू की तो वो खूंटा एक घड़े का था। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया तो वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब वो किसान हक हलाल की कमाई वाला था तो उसने जरा भी लालच न करके वो घड़ा वहीं छोड़ दिया और सोचने लगा, पता नहीं किसका धन है ये, मैं क्यों लूं किसी का अनजान धन। फिर मन ही मन सोचता है, अगर सच में मेरे नसीब में घड़ा होगा तो भगवान ने अगर मुझे दिखाया है तो वो भगवान ही मेरे घर अपने आप पहुंचा देंगे, मैं अपने आप इस धन को क्यों लूं। अब ये घड़े वाली बात इस किसान ने अपनी पत्नी को जाकर बताई। अब उसकी पत्नी तो और भी ज्यादा भोली थी, उसने ये बात पड़ोसी को जाकर बता दी। अब वो पड़ोसी था बहुत चालाक, उसने उसी रात अपने परिवार के साथ खेतों में जाकर जब खुदाई शुरू की तो वहाँ तो एक नहीं 5 घड़े निकले और वो सारे घड़े बिच्छू और सांपों से भरे हुए थे। अब पड़ोसी को उस किसान पर बहुत गुस्सा आया और वो अपने परिवार वालों से कहता है कि इस किसान ने हमें झूठ बोला और इसने हमें मारने के इरादे से इस घड़े में बिच्छू रखवाए होंगे। अब इस पड़ोसी ने क्या किया, उन घड़ों को उठवा कर उस किसान के घर में फिकवा दिया और मन ही मन सोचता है, ये बिच्छू और सांप इन दोनों को डस कर ही मार डालेंगे, अब पता चलेगा इनको मुझे झूठ बोलने का नतीजा। और वो घड़े फेंक कर पड़ोसी भाग गया। अब जब सुबह किसान पति पत्नी उठे तो क्या देखते हैं, एक घड़े के बदले वहाँ 5 घड़े अशर्फियों से भरे पड़े थे। वहाँ मेरे सदगुरु, ये नजारा देखकर उन दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू झर झर बह गए और उनका विश्वास परमात्मा पर से और पक्का हो गया और वो दोनों ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहे। सास संगत जी, अब आप खुद ही देख लो, जो किस्मत में लिखा है वो जरूर मिलेगा, चाहे हम कितनी भी चालाकी कर लें, जो हमारे नसीब में है वो ही हमें मिलेगा। और अगर चालाकी नहीं भी करेंगे तो भी जो हमारे नसीब में है वो जरूर मिलेगा, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं, जब अपना टाइम आएगा तो जरूर मिलेगा। जब जो काम लिखा होता है वो काम तभी होता है, एक एक पल का हिसाब लिखा हुआ है, इसीलिए हमेशा हमें उसके भाड़े में रहना चाहिए। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।